23 दिन पहले शंकराचार्य चौराहे से अपहरित किशोरी को महाकाल पुलिस ने मोरवी गुजरात से बरामद किया। इसका अपहरण कर ले जाने वाले देवास के दंपति को भी पकड़ लिया गया है। बालिका का मेडिकल कराने के बाद परिजनों को सपोर्ट किया गया। बालिका का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने PSPN सॉफ्टवेयर की मदद ली और बालिका को सकुशल परिजनों तक पहुंचाया। पुलिस ने मोरवी गुजरात से ऋतुपति अरविंद गोसर, 24 वर्ष निवासी अमोना देवास व अरविंद पिता अशोक गोसर 29 वर्ष को हिरासत में लिया है। उनके पास से राजेश मालवी की 13 वर्षीय बच्ची भी बरामद हुई। तीनों को पुलिस उज्जैन लेकर आई। यहाँ दंपति ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद 4 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, उसको उज्जैन घुमाने आए थे। माँ बच्ची को दूर में खेलते देखा तो मातृत्व जागा, इस कारण उसे पालने के लिए उठाकर ले आए। मामला सामने यह आया है कि राजेश पिता रतनलाल मालवी निवासी भैसुनी हालमुकाम मुल्लापुरा मार्ग शंकराचार्य चौराहे के 6 बच्चे। राजेश मालवी पत्नी के साथ पन्नी बीनने का काम करता है। 20 नवंबर को राजेश अपने बच्चों को घर पर छोड़कर पन्नी बीनने गया हुआ था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दंपति उसके 6 वर्षीय बेटी व 1.5 वर्षीय बेटी को किसी बहाने से बाइक पर बैठा कर ले निकले। बड़ी बेटी देवास गेट पुलिस को चामुंडा माता चौराहे पर लावारिस हालत में मिली। नाम पता पूछने के बाद उसे महाकाल पुलिस को सौंप दिया गया। क्या राजेश मालवी अपनी दोनों बेटियों के लापता होने की सूचना देने पहुंचा तो पुलिस ने बड़ी बेटी को उसको सपुर्द कर दिया। साथ ही 1.5 वर्षीय बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। SI मालवी ने बताया कि घटना दिनांक एवं समय पर शंकराचार्य चौराहे पर एक्टिव मोबाइल की लोकेशन एवं नंबर ट्रेस करने पर मिली। CCTV फुटेज के आधार पर बाइक नंबर व बाइक पर बैठे दंपति को भी देख लिया गया। एक बाइक पर दंपति दोनों बच्चों को बैठाकर जूना सोमवारिया होते हुए चामुंडा माता चौराहे पर केंद्र में कैद हुआ। वहीं पर उनका मोबाइल भी PSTN सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेस हुआ। साइबर सेल की मदद ली गई तो पता चला कि यह मोबाइल उज्जैन से देवास एवं उसके बाद मोरवी गुजरात में एक्टिव है। इसी आधार पर संपत्ति की केंद्र में कैद फोटो बाइक नंबर एवं मोबाइल नंबर के आधार पर मोरवी में तफ्तीश की गई। 7 साल की बच्ची और 1.5 साल की बच्ची, जैसे ही ये पुलिस की जानकारी में आया तो एक गंभीर विषय होने की वजह से तत्काल ही उस बच्ची जो 7 साल की बच्ची है उसको रिकवर किया गया था। लेकिन 1.5 साल की बच्ची के संदर्भ में जो प्राथमिक तौर पर बात आई थी कि एक युवक युवती है जिन्होंने इनको दोनों बच्चियों को चापे देने के बहाने से बुलाया था और उसको